सम्राट साइकिल के नाम पर अमेठी में राहुल गांधी ने जमीन हड़प ली, वहाँ केएल शर्मा ने ट्रांसपोर्ट के नाम पर जमीन हड़प ली। केएल शर्मा की जमानत जब्त तो होने वाली है। राहुल को हराने वाला, राहुल की छवि को डाउन करने वाला मात्र केएल शर्मा ही तो है। राहुल गांधी दोनों जगह हारेंगे, कहीं नहीं जीतेंगे। जो काम किया मैं उसको नानी के घर जाएंगे, प्रियंका, पिंकी और पप्पू अपने नानी के घर। केएल शर्मा ओनली अमेठी रामरैली का लूटने काम किया, सिर्फ दलाली किया है जब से 40 साल से। बता कौन जानता है अमेठी में केएल शर्मा को? राहुल गांधी लुटेरा है, लुटेरा। केएल शर्मा नंबर एक का चोर है। योगी बाबा थे, मोदी जी हैं। तो अमेठी में इस समय हमारी मौजूदगी है, जहां पर कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमेठी, आपको बता दें कि काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि यहां पर गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है और केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और उन पर भी कई संगीन आरोप लगे हैं कि रायबरेली में ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर जो जमीन हथियाई उसका मुआवजा नहीं मिला। और इसी बीच अब सियासत इसलिए गर्मा चुकी है क्योंकि ये कहा गया है केजरीवाल की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में जो है हटा दिया जाएगा। आइए बात करते हैं यहां पर लोगों से। ये कहा गया कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि 2 महीने में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अभी 1 जून को दोबारा जेल जाएंगे वो, तब समझ में आएगा कहां कहां घोटाला किया उन्होंने। शराब घोटाला कहां किया है, कहां पे नहीं किया है, तब समझ में आएगा। वो तो बोल रहे हैं योगी जी को 2 महीने में हटा के राजनीति खत्म कर देंगे। तो वही राजनीति करें, बाकी बेवकूफ हैं। इस बार दिल्ली से भी समाप्त होंगे, योगी से जा ही रहे हैं। यूपी तो जा ही रहे हैं, यूपी से इनका सूपड़ा साफ होगा, इसलिए पूरी बौखलाहट इनके अंदर आ चुकी है। अच्छा, यहाँ से केएल शर्मा चुनावी मैदान में, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जब रायबरेली में वो थे सोनिया गांधी के प्रतिनिधि, तो जमीन हथियाई ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर और कुछ काम नहीं किया, कुछ मुआवजा नहीं दिया लोगों। 400 सीटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। केएल शर्मा की जमानत जब्त तो होने वाली है, राहुल गांधी पहले ही छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी बोल रही है वो आएंगी और लोगों के बीच तो खुद ही लड़ना चाहिए था ना उनको। दीदी स्मृति ईरानी, नितेश चंद्र तिवारी। नितेश जी, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है 2 महीने में योगी जी को हटा दिया जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी योगी की राजनीति, ऐसा कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। योगी जी हम लोगों के आदर्श हैं, कभी ऐसा नहीं होगा। और अमेठी में फिर से दीदी स्मृति ईरानी जी सांसद बनेगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। चोर है वो अपनी सीट ही बचा ले, चुनाव के बाद वो जेल जाना तय है। यही चोर है केजरीवाल, चोर है। केएल शर्मा को जो उतारा गया, कांग्रेस बोल रही है 40 साल से ये कौन है? केएल शर्मा है कौन? कोई अमेठी की जनता है? केएल शर्मा वही है जो रायबरेली को बर्बाद करके अमेठी में आया, लेकिन अमेठी की जनता इनकी जमानत जब्त कर देगी, इनको हरा के। भी आरोप लगे हैं उन पर कि जो ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर जमीन ली, ना उनको मुआवजा मिला ना कुछ मिला। ये सारा कारनामा केएल शर्मा का था, उस किसान की जमीन इन्होंने जबरदस्ती हड़प लिया, कांग्रेस के खून में है। यहाँ सम्राट साइकिल के नाम पर अमेठी में राहुल गांधी ने जमीन हड़प ली, वहाँ केएल शर्मा ने ट्रांसपोर्ट के नाम पर जमीन हड़प ली। अब इनको समर्थन में कह रहे दो, अब अमेठी हम जो है वापस ले लेंगे। अमेठी कांग्रेस की बपौती नहीं है, अमेठी दीदी स्मृति ईरानी जी की है, थी और रहेगी। भारत माता की जय, जनता पार्टी जिंदाबाद। दीदी स्मृति ईरानी, जो सीट अमेठी की स्मृति ईरानी की है हमेशा रहेगी और आगामी समय में उनकी रहेगी। अब की बार 400 बार कांग्रेस आरोप लगा रही है काम नहीं किया कुछ समृद्धि। कांग्रेस को तो क्या है, क्या सच्चाई हजम नहीं हो रही है, सच्चाई हजम नहीं हो रही है, उनकी पाचन क्रिया खत्म हो गई है, अब वो पचाव नहीं कर पा रही है सच को, सच उनके सामने सच को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। यही सत्य है कि दोनों सीट हमारी है और हमारी कौन सी, यही रायबरेली है, दोनों रायबरेली भी ले लिया। अरे ले लिया, ले लिया तो ले लिया, यार ये भी ले लिया। राहुल गांधी दोनों जगह से जीतेंगे, सुन लीजिए पहले सवाल, और उसके बाद रायबरेली छोड़ देंगे, वहां से प्रियंका गांधी फिर सांसद बने। राहुल गांधी पहले रायबरेली, राहुल गांधी दोनों जगह हारेंगे, कहीं
कहीं नहीं जीतेंगे, जो काम किया मैं उसको लाऊंगी। नानी के घर जाएंगे प्रियंका, पिंकी और पप्पू अपने नानी के घर। नानी के घर जाएंगे भैया, वो तो नानी के घर जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने की, अरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं वो, टूरिस्ट है वो, सिर्फ टूरिस्ट है, टूरिस्ट ही रहेंगे भारत के अंतर्गत, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट के अलावा सफर करने आते हैं और सफर करने के बाद वापस अपने माँ देश में चले जाते हैं, विदेश में अपने में आराम से रहते हैं, सारे काम आराम से करते हैं। प्रशांत तुगला नाम है, कहाँ से हैं? अमेठी से हैं। आगे आइए, छुप का रहे हैं। बोलिए बोलिए, महाकाल जी। महाकाल जी नाम है जी, जी, हाँ, जी, महाकाल है। ये बताइए, राम मंदिर का कुछ मुद्दा चल रहा है? नहीं चल रहा, बराबर चल रहा है। हिंदू तो गोपाल यादव तो बोल रहे थे सही नहीं बनाया है राम मंदिर, ये तो बेकार हो गए मंदिर को बेकार कहने वाले। राम गोपाल यादव, अरे कैसी बात कर रहे हैं, मंदिर को बेकार कहने वाले स्वयं बेकार हो गए, जनता धक्के मार के बाहर भेज रही है। राम गोपाल, मैं राम गोपाल यादव जी को क्या कहूँ कि उनका नाम राम के आगे लगता है, राम गोपाल, तब भी वो हिंदुत्व के लिए इतना गर्व कर जाते हैं, उनको तो नर्क में जगह नहीं मिली जाएगी। राम गोपाल यादव बोलिए, आइए। हाँ, बनज के कहाँ रहे राम गोपाल, जो बने लाख तो कहाँ का रहे, जो ना विरोध करते। हाँ ठीक है, वो कह रहे आर्किटेक्ट खराब कर दिया है। क्या खराब कर दिया, तो तब कहाँ थे जब बन रहा था, वो तो हिंदुस्तान में थे कि नहीं थे। अच्छा, वो बोल रहे केएल शर्मा मैदान में है 40 साल तक, जनता के 40 साल तक आए जो हम बैठा रहते रहे हैं, राय बरेली बैठा रहते रहे गेस्ट हाउस में 40 साल, जनता के बीच में नहीं रहे केएल शर्मा। हाँ नहीं रहे। पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि न्यू ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर जगह ले ली और मुआवजा नहीं दिया लोगों को। कुछ नहीं, केवल राय बरेली अमेठी की ओनली उन्होंने दलाली करी है, करी सिर्फ दलाली करी है और कुछ नहीं किया। मैं अखंड ब्राह्मण महासभा का अध्यक्ष हूँ, वो भी ब्लॉक स्तर का, और जो ये अफवाह है कि ब्राह्मण केएल शर्मा के साथ, ये सब झूठी अफवाह है, ओनली उन्होंने दलाली करी है और रायबरेली अमेठी को मात्र लूटा है, बस सिर्फ लूटा। कांग्रेस बोल रही है हमने परिवार और अगर लूटा ना होता तो उनको डर ना होती। लूटने का काम किया है, लूटने का काम किया है, हमने तो काम किया, ये घर है हमारा, परिवार है, कुछ भी परिवार नहीं है। घर होता तो आज पहली बार केएल शर्मा का नाम आप भी सुन रहे हो, केवल हम लोग प्रतिनिधि सुनते थे उनको, कभी देखा नहीं है। और जितनी भी गेस्ट हाउस पर आते रहे, जनता हाउस में नहीं आते रहे, नहीं आते रहे, कभी नहीं आए। तो आज तक अमेठी या रायबरेली में कमरा बना लेते, आज तक ना उनका एक घर है ना यहाँ के वो वोटर हैं। हमारी दीदी का घर भी है, हमारा हमारी प्रत्याशी बना है, गरीबों का कंबल बेचने वाला यहाँ प्रत्याशी बना है इस बार कांग्रेस ने। जब मैं आ रहा था, मैं 2.5 महीने से कवरेज कर रहा हूँ देश भर में, जब मैं आ रहा था ये मेरे को किसी और ने भी भेजा, ये कंबल चोर, मैं सर्च किया समझ नहीं आ रहा कंबल चोर क्या है। निधि में दलाली करने वाला कांग्रेस का प्रत्याशी है, कंबल चुराने वाला, कंबल बेचने वाला यहाँ का भी प्रत्याशी है। कभी कंबल चुराया, कभी इंडियन ऑयल का नल आते थे निधि से वो चुराया, उसको लेकर के 35,000 में किसी अदर व्यक्ति को बेच देते थे। भाई राहुल को हराने वाला, राहुल की छवि को डाउन करने वाला मात्र केएल शर्मा ही तो है। अच्छा, स्मृति ईरानी ने 5 साल में कुछ किया नहीं है, दोनों में राहुल गांधी 15 साल, स्मृति ईरानी 5 साल। अरे वो तो आप देख ही रहे हो और कवर कर रहे हो कि स्मृति ईरानी का क्या परिवर्तन है, काम हुआ, उंगलियों पे काम गिना ही नहीं सकते, इतने काम है। विकसित अमेठी, आदर्श अमेठी बनाने का काम किया। काका ने तो बहुत सारे सरकार जो ना 370 हटा दीस और मंदिर बना दीस है, और सबका 31 अनाज दे दिया है, सांसद निधि दे दिया है, एक तरफ से जात पात नहीं देखत, बिल्कुल सबका मिलता है। अच्छा, केजरीवाल बोल रहे हैं कि योगी की राजनीति मोदी खत्म करने वाले हैं, 2 महीने में हटा देंगे, तो उनका वो मनोविज्ञान बताओ तो, हम नहीं जानते का। सुन लीजिए छोटी सी बात, जब 60 साल का चाहे मेरे पिता हों या आपके पिता हों, जब 60 साल के वो हो जाते थे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था, उनको बीड़ी तमाकू की भी दिक्कत हुआ करती थी। आज मोदी 3rd महीने 2000 दे रहे हैं, बैठ के तमाकू खा रहे हैं, हम आप पैर मींज रहे हैं और क्या, हम आप पैर मींज रहे हैं, 100-200 हमको भी देते हैं। केएल शर्मा ओनली अमेठी रायबरेली का लूटने काम किया, बाकी ये जो अफवाह चल रही ना कि ब्राह्मणों को उन्होंने जोड़ा है, ब्राह्मणों को उन्होंने फोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ओनली अफवाह है, धरातल पे कुछ नहीं है। आने वाली 20 तारीख को आप देख लेना और आप स्वयं कवर कर
कर रहे हो। अमेठी में इसको देखेंगे काका, चार को क्या रिजल्ट देखेंगे हम देश का? चार को देखेंगे यार, छह लाख पार, छह लाख पार और 400 पार, 6 लाख पार तो यहाँ जीतेंगी और 400 पार पूरे इंडिया में, 400 पार कोई नहीं। वो विपक्ष, विपक्ष बोल रहा है 200, विपक्ष की जमीन उसके पास के उस छोर से आता हूँ मैं, अमेठी के उस छोर से आता हूँ सर, मैं अमेठी के उस छोर से आता हूँ जो अमेठी की लास्ट स्टेज यानी बॉर्डर है हमारा, बाराबंकी और रावरेली बॉर्डर से आता हूँ। वहाँ तो आज तक कभी केएल शर्मा राहुल गांधी को देखा नहीं। स्मृति ईरानी अभी हमारे गांव में गई थी, एक बार नहीं तीन बार गई, उन्होंने जन जन की समस्या सुनी लोगों का। कांग्रेस के जमाने में एरिया में दो नेता होते थे, आज घर घर नेता पैदा कर दिया है बीजेपी ने, घर घर नेता पैदा कर दिया है और सबके अंदर इतना मनोबल दे दिया है कि किसी का भय नहीं है आज, नहीं गुंडाई का इतना वर्चस्व होता था, लोग डरते थे। किसने हटाई गुंडागर्दी? बीजेपी ने हटाई गुंडागर्दी। और कैसी बात कर रहे, योगी जी ने हटाई है, यूपी को गुंडा मुक्त कर दिया है। अब कोई भी तापमान में 40 डिग्री जो केएल शर्मा आए हैं, जो ये केएल शर्मा आए हैं ना, 10 साल पहले इन्होंने अमेठी और रायबरेली को इस तरह छल लिया है कि पूछिए नहीं। ये मतलब ऐसा काम कर दिया अमेठी में कि आज तक विकास गांधी बोल के गई, मेरे हमारे परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य सदस्य नहीं है ये, कभी प्यार में धोखा खाए हैं, धोखा ओनली लूटा है उन्होंने, सिर्फ लूटा है, ओनली लूटा। अजय प्रधान, अजय प्रधान मैया सुंदरिया, अजय प्रधान मैया, हमारी ग्राम सभा जो भी विकास हुआ है वो स्मृति ईरानी के द्वारा हुआ है। कांग्रेस क्यों बोल रही है 5 साल काम नहीं किया? कुछ नहीं, एक भी रास्ता नहीं बनवाया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम आपका? आज कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर अशुद्ध है। हाँ, वो पटोले, नाना पटोले ने कहा। ये कितना गलत बयान है, इनकी नीति कितनी खराब है। अब ये बताओ, शुद्धिकरण करना चाहिए। अब ये बताओ कि इनकी पार्टी जो है 1000 साधुओं का जब बलिदान कर दिया, गोली चला दी, तो इनकी पार्टी कितनी अशुद्ध है। ये हमारे राम मंदिर को अशुद्ध बना रहे, हमारे सारे विद्वानों के द्वारा राम की प्रतिष्ठा हुई है और ये अशुद्ध बना रहे। कितना गलत बयान, कितना गलत बयान दे रहे हैं। ये हमारे हिंदू का अपमान कर रहे हैं। हम 5 दिन तक राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है, सारे विद्वान, काशी के विद्वान से बढ़ के और कोई विद्वान नहीं है, इतने विद्वानों के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान राम की स्थापना हुई है और ये बता रहे हैं अशुद्ध है। इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति वहां चले गए, अब उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। ये खुद अशुद्ध है, इनकी पार्टी पाकिस्तान जाके भारत की बुराई करते हैं। मणिशंकर एक मिनट सुनिए ना, और सनातन को गाली देने वाले ऐसी पार्टी हमें स्वीकार ही नहीं है। सुनिए ना, मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से डरना चाहिए, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। परमाणु बम्बों को मोदी जी ने आग लगा के फेंक दिया, अब किसी को डरने की जरूरत है ही नहीं है। जो आए दिन जब दो धमकियां देते थे, आज खुद वहां जाके खुद अपने घुटनों में पेशाम कर रहे हैं। अब भारत को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत एक सुरक्षित हाथों में है। एक भारत का भविष्य एक ऐसे प्रतिनिधित्व तय करते हैं जिन पर संपूर्ण ब्रह्मांड विश्वास करता है। आज देश भारत एक अखंड गुरु के रूप में उभरा है और इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मोदी जी को हटाएंगे, मोदी जी 2 महीने बाद, दोनों बात एक ही है भैया, योगी जी और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों लोग रहेंगे। अभी तो चाय वाला है, जब गाय वाला आएगा तो देश प्रदेश का नाम कैसा होगा? गुंडाराज मत तो प्रदेश कर दिया है। आइए पूछो, हमारे लिए तो बात एक ही है, बताएं क्या पूछना चाहे। केएल शर्मा क्या लग रहा है, कांग्रेस कह रही है अमेठी अमेठी का नाम ही नहीं है। केएल शर्मा को कोई अस्तित्व नहीं है, इन्होंने अमेठी को सिर्फ छला है, जिस तरह से अमेठी और रायबरेली दोनों को छल लिया है, जनता उसके मुंह तोड़ जवाब देगी। राहुल गांधी अमेठी में दलाल बन के रह गया था, छुट्टी होने सिर्फ दलाली किया है जब से 40 साल से, बताया कौन जानता है अमेठी में केएल शर्मा को। ये बताइए, कांग्रेस कहती रही कि अमेठी रायबरेली हमारा घर है, लेकिन राहुल गांधी इस बार यहाँ क्यों नहीं आए चुनाव? जब राहुल गांधी को न्योता जब भेजा गया राम मंदिर का, जब उसमें नहीं पहुंच पाए तो उसको
कौन जानेगा। ये भी चल रहा था कि अब यहाँ जब आएंगे अमेठी रायबरेली तो पहले राम मंदिर जाएंगे, लेकिन इस बार भी नहीं गए वो राम। अरे और जो राम का नहीं, जो दर्शन करने की क्या आवश्यकता भैया, वो तो अपने घर में ही दर्शन कर लेते हैं, उनको राम मंदिर से क्या मतलब भैया। वो सनातन को मानते ही नहीं है, वो सनातन को तो हमेशा खत्म करने पे लगे हुए भैया। अब ये सरकार किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इंडिया की लहर है हमारी, पूरी विपक्षी गठबंधन की लहर है। अखिलेश यादव अपनी सीट बचा ले, मैं चैलेंज अपनी सीट बचा के दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ। अमेठी से हम आवाज दे रहे हैं कि जहाँ बैठे हो अखिलेश, कन्नौज में अखिलेश यादव बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, पाटन जीत रहे हैं, जमानत भी जब्त होगी। जितने चोर बैठे हैं आपको अभी मालूम पड़ेगा। अमेठी से राहुल गांधी को हरा के भेजा है ना, और अखिलेश यादव भी हारे हैं, और सब हारे दो लड़के जो है ना, ये दो लड़के ये दोनों हारे हुए हैं, और कन्नौज में फिर हारेंगे, चैलेंज है। और अखिलेश यादव के आवाज सुनाई देता तो ये जान ले कि हाँ कि कन्नौज में क्या होगा। पप्पू सिंह जी इधर आइए, कितनी उम्र है आपकी? 45 साल। 45 साल उम्र हो गई आपकी। हाँ। तो अब इस बार आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी जिंदाबाद, बोल रही है हम वापिस ले लेंगे। योगी मोदी जिंदाबाद, अमेठी का विकास स्मृति ईरानी दीदी जी करेंगी। कुछ काम गिनाइए, क्या काम बहुत करे, बाईपास बना मुसाफिर खाना वाला होगा, चारों तरफ काम ही काम है भैया। जिला को छोड़िए, हमारे विधानसभा में, जगदीशपुर विधानसभा में आइए, माननीय सुरेश पासी द्वारा मैं काम दिखाता हूँ। आप मीडिया के हैं, प्रत्येक गली गली जाते हैं, हर एक गली आइए देखिए, अगर किसी भी जगह पर विधानसभा जगदीशपुर में कच्ची रोड मिल जाएगा, तो उन्होंने बताया कि ये रोड अभी बना है, पहले नहीं बना, ये जगदीशपुर वाला जो रोड जी। ये रोड पहले से ही बना है, 70 साल से थे यहाँ, 70 साल से है यहाँ। अमेठी को रेस्टोरेंट समझ रखा था, रेस्टोरेंट अमेठी को राहुल गांधी ने समझ रखा था। दीदी स्मृति जी का घर बन चुका है, अभी चाय वाला का भी है, गाय वाला जिस दिन प्रधानमंत्री बना उस दिन देखना। राहुल गांधी लुटेरा है, लुटेरा प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली चला गया, इस मुद्दे इधर चुनाव लड़ रहा है यहाँ से। राम विरोधी। वो जब अयोध्या में जाने से उनको परहेज है, अयोध्या नहीं जा सके वो, भगवान भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उससे उन्होंने परहेज रखा। वो किस मायने में, अमेठी की जनता ने नहीं, पूरे देश की जनता ने उनको नकारा है। आने वाली 4 जून को जनता बता देगी कि हुआ है। हमारे साथ क्या नाम है? सचिन शुक्ला। कितनी उम्र होगी आपकी? 23 साल। 23 साल जी। तो आप तो आए योगी जी के कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, बीजेपी के साथ हैं आप? जी। तो कांग्रेस तो कह रही है युवा हमारा साथ, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी वो यहाँ जी। बीजेपी पार्टी के जी, कांग्रेस आनी ही नहीं है, कर क्या क्यों नहीं है कांग्रेस? उम्मीद उनकी है ही नहीं ना, अपनी रक्षा नहीं कर पाए, जिनके जिनके खानदान अपनी रक्षा नहीं कर पाए वो देश की क्या रक्षा करेंगे? अपनी रक्षा नहीं कर पाए, कहाँ कर पाए? इंदिरा गांधी से राजीव गांधी तक क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? आप दोनों सीटें जीतेंगे, रायबरेली भी बिल्कुल नहीं जीतेंगे, रायबरेली भी गई। अमेठी ने हराया है और रायबरेली भगाएगा, और वायनाड भी हार रहे हैं, इनको अब सीधा इटली जाना पड़ेगा, पूरे खानदान को इटली जाना पड़ेगा, सीट जीतनी पड़ेगी, इटली की सीट जीतनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में रहकर राम का विरोध करेगा, वो भारत देश में रहने लायक नहीं है। नहीं, इस धूप में आपको क्या आंकड़ा लग रहा है जनता से? दोपहर का समय है, कितनी जनता है? तो ऐसे में राहुल जी निकल जाएंगे, यहाँ कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी, यहाँ भाजपा भारी मतों से विजयी होगी। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल कल जेल से छूटे हैं और जमानत पर प्रचार के लिए, वो कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वो योगी की राजनीति खत्म करने वाले हैं, 2 महीने में हटा देंगे। कुछ नहीं, अब उनकी और राजनीति खत्म हो जाएगी। ये अफवाह उड़ाई जा रही है, ये सारी चीजें अफवाह उड़ाई जा रही है। फायदा मिलेगा इससे विपक्ष? फायदा है विपक्ष को क्या फायदा मिलेगा? स्मृति दीदी यहाँ मिलेगा कुछ? योगी बाबा थे, मोदी जी हैं, अब की बार 400 पार। विपक्ष बोल रहा है 200 भी नहीं आएगी, विपक्ष 300 सीट नहीं पाएगी, आपकी गए नहीं पाएगी 30 सीट उत्तर प्रदेश में। राहुल तो चाहे अमेठी से हारेंगे, रायबरेली चलाओ, वहाँ जबाना जब
केएल शर्मा, ये सब गए, ये सब चले घास छोले। केएल शर्मा कोई जानता नहीं यहाँ पे, कोई नहीं जानता कौन है वहाँ पे, कौन है केएल शर्मा को कौन जानता है, पहले तो आप ये बताओ अमेठी में जिनको हम लोग जानते हैं उनको वोट कैसे करेंगे। और हम लोग बीजेपी तो फिर एक मिनट, तो फिर जब प्रियंका गांधी आई उन्होंने ये क्यों कहा, ये तो सेवा की 40 साल तक इन्होंने कोई सेवा नहीं की, आज तक हम लोग देखे नहीं केएल शर्मा को, नहीं देखे हैं। रोटी सेकना सिर राजनीति करना, 60 साल इन्होंने क्या दिया 60 साल जनता को, अमेठी की यही बता दे बस दिया क्या। ये भी आरोप लग रहे हैं केएल शर्मा पर कि अभी रायबरेली में वो जो है सांसद प्रतिनिधि थे तो कई जैसे ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए किसानों से जमीन ली, उनको ना मुआवजा दिया ना कुछ किया और ना ट्रांसपोर्ट नगर बना, तो अमेठी के लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं ताना शाही वाला काम था कांग्रेस, कांग्रेस के जमाने में, आज बीजेपी जो कर रही है देश के लिए सर्वोच्चा है। जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा का काम जमीन पे दिखाई दे रहा है, शर्मा कांग्रेस के दलाल हैं, वो नाली खड़ंजे और नलके में जो दलाली करते थे 5,000 रुपए लेके नल गड़वाते थे, राहुल गांधी के साथ रहते थे, राजू गांधी के जमाने से जब वो कंबल चोरी कर रहा था, पैसे चोरी कर रहा था, भ्रष्टाचार में लिप्त था, वो कौन विकास करेगा कि हमारी अमेठी में बताइए। जब राजू गांधी और राहुल गांधी कुछ किए, लेकिन राहुल गांधी कुछ भी नहीं किए, उनको यहाँ की जनता छोड़ दिया है, आज भी वो दर्द। मैं 2.5-3 महीने से देश भर में कवरेज कर रहा हूँ, अमेठी में आज पहली बार आया, तो जब आ रहा था तो मुझे और भी लोगों ने बताया कि आप कंबल चोर पूछना, बस ये क्या कहानी है कंबल चोर की, कंबल चोरी किया पूरे जीवन और चोरी किया, भ्रष्टाचार में लिप्त है, कंबल चोर कांग्रेस का नंबर एक का चोर है वो, केएल शर्मा नंबर एक का चोर है, चोर चोर कोर्ट नहीं देगी अमेठी की जनता उसे नकार दिया है। वो कंबल चोर था, हम लोगों के यहाँ आता था जो कंबल बंटने के लिए आता था गरीबों का, उसको 100-100 रुपए में बेचता था, 100-100 रुपए में, हाँ 100-100 रुपए में कंबल बेचता था वो नलके में, जनता जानती है ये सब, सब जनता जानती है, जनता सब जानती है। हाँ जी, कम्बर चोर को वोट नहीं देंगे, जब कम्बर चोर किया अगर उसको यहाँ वोट दे देंगे तो सारा देश बेच लेगा। आप मेरे को बहुत जोश में लग रहे हैं, योगी जी का 7 साल का कुछ काम 2-3 लाइनों में बताइए। काम ऐसा हुआ है कि राशन 2-2 बार रिफाइंड नमक दाल सब मिला है, किसान निधि मिल रही है, पिल्सिन 1,000 महीना, पिल्सिन 1,000 महीना, बहुत काम किया है, जो काम कर, कोई ऐसा काम बचे नहीं है सर जी जो योगी जी ने नहीं किया, पूरी गरीब जनता को साथ लेकर योगी जी ऐसा काम कर दिए, कोई कर नहीं सकता है यहाँ पे, सबकी खत्म कर दी, गुंडे सब बिल में घुस गए हैं, जो गुंडे थे वो जहन्नुम लुटेरी पूरे देश के चूह ले लूटा, समाजवादी कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है, बताइए देश देश के कितने पीछे, देश के पीछे कितना बड़ा है, क्या क्या नाम है, अरे क्या क्या नाम है आपका, राम कुमार, राम कुमार जी पासी, पासी कहाँ के रहने वाले हैं, रोसी खुर्द, कितनी उम्र होगी आपकी, 70 साल, 70 साल उम्र हो गई, कई चुनाव देख लिया आपने, कांग्रेस कहती रही हमारा गढ़ है इस बार छोड़ दिया, कांग्रेस नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं गढ़ कैसे चलेगा, कांग्रेस से मैं पूछ रहा हूँ कि जो इस बूथ से जीती थी उस बूथ तक को नहीं कोई काम कराया, बूथ पे भी काम नहीं कराया, बूथ भी काम करो जहाँ किसी की हमेशा जीतती है, और जहाँ पर कि हमारे संसद जो है कि बूथ हारे होते हुए काम करवाया है स्मृति ईरानी जी ने, हाँ तो इसको हम देंगे, स्मृति दीदी मटियारी भैया, स्मृति दीदी मटियारी भैया, कांग्रेस कांग्रेस बोल रही है कि इस बार तो हार रही है समिति, 40 साल पुरानी कांग्रेस आई है, ये दीदी की अमेठी है, ये काम की अमेठी है, ये नेतृत्व की अमेठी है, ये सहारे की अमेठी है, स्मृति दीदी हर युवाओं की शान है, बान है, आन है, स्मृति दीदी मटियारी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस की यहाँ जमानत जब्त होगी, 2.5 लाख वोटों से दीदी जी,